मेरा नाम तबरेज शेख है, मैं लोधा अपर थाने का रेसिडेंट हूँ दिसंबर 2021 से। ये टाउनशिप काफ़ी प्यारी, ब्यूटीफुल और स्पेशियस है, और इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको मेरी एग्जैक्ट फीलिंग शेयर करूँगा लोधा अपर थाने के बारे में। चलिए, जैसे ही आप अपर थाने में पैर रखते हैं आपको एक जैसी काफ़ी सारी बिल्डिंगें दिखती है, और नए लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है कि उनकी बिल्डिंग कौन सी है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो किसी और की बिल्डिंग में घुस जाते हैं और फिर बाद में रियलाइज करके हंसते हुए अपनी बिल्डिंग में वापस लौट आते हैं। कासा ग्रीनवील के कॉमन गार्डन में बैठा हूँ। हफीज कॉन्ट्रैक्टर, जो बहुत फेमस आर्किटेक्ट है, उन्होंने सभी क्लस्टर्स को ऐसे डिज़ाइन किया है जिसमें सभी बिल्डिंग को इक्वल गार्डन और लॉबी से बाहर निकलते ही गार्डन शुरू हो जाता है। बच्चे, सीनियर सिटीजन्स और वुमन के लिए ये टाउनशिप हेवन से कम नहीं है। हर शाम को लड़के लड़कियाँ साइकिलिंग, फुटबॉल और ओपनली पार्क कार के पीछे छुपके लपा छुपी खेलते हैं। शाम के समय में सीनियर सिटीजन्स यहाँ लाइफ, नॉस्टैल्जिया और पॉलिटिक्स पे कॉन्फ्रेंस करते हैं। इस टाउनशिप की सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो चीज़ है वो बेशक इसका क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पे अभी तक 20 क्रिकेट टीम्स बन चुकी है और हर महीने कोई एक टीम एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करती है और लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यहाँ पर भी ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम जैसी एक टीम है जो हर बार फाइनल जीत जाती है, उनका नाम है एवेंजर्स। वुमेन्स क्रिकेट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से खेला जाता है, उनकी भी 8 टीम्स है डिफरेंट, और वो भी काफ़ी प्रैक्टिस करके टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। अब तक मैंने आपको लोधा अपर थाने के पॉजिटिव्स ही बताए हैं, इसके कुछ डाउनसाइड भी है जिसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया है। ओवरऑल ये टाउनशिप उनके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है जिनको ओपन स्पेस, ग्रीनरी और पीस चाहिए। थैंक यू वेरी मच।